शनिवार की सुबह एकदम से एक ट्वीट ने सडनली सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया और वो ट्वीट था फॉर्मर क्रिकेटर एंड करंट एमपी ऑफ ईस्ट दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी फ्रॉम बीजेपी गौतम गंभीर का। इस ट्वीट में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो पॉलिटिकल करियर से हटकर वापस अपने पुराने पैशन क्रिकेट की ओर जाएंगे। इस ट्वीट में वो बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें उनकी पॉलिटिकल ड्यूटी से रिलीफ कर दिया जाए ताकि वो अपने आने वाले क्रिकेट कमिटमेंट्स पर ध्यान दे सके। अब जहां पर उन्होंने ये लिखा है दैट ही नीड्स टू फोकस ऑन हिज क्रिकेट कमिटमेंट्स, पर ये है कौन सी क्रिकेट कमिटमेंट्स ये जानते हैं आप? आप गौतम गंभीर इस महीने के अंत में शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के अपकमिंग एडिशन में कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर के रूप में दिखाई देंगे। तो आइए बताते हैं आपको थोड़ा बहुत अबाउट दी अंडररेटेड लेजेंड ऑफ क्रिकेट गौतम गंभीर के बारे में, जिनका क्रिकेट की दुनिया में तो खूब सिक्का चला पर पॉलिटिक्स को केवल 4 साल देने के बाद ही उन्होंने इसे टाटा बाय बाय करने का फैसला कर लिया। पर ऐसा क्यों? गौतम गंभीर ने एज अ क्रिकेटर बहुत नाम कमाया। उन्होंने 2 मेजर विश्व कप टूर्नामेंट्स 2007 का T20 वर्ल्ड कप और 2011 का वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन देते हुए भारत को जीत दिलाई है। इस समय ईस्ट दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी से एमपी गौतम गंभीर का जन्म 14 अक्टूबर 1981 में दिल्ली में हुआ था। पिता दीपक गंभीर बिजनेसमैन थे और माँ सीमा गंभीर एक हाउस मेकर। महज कुछ महीनों के थे गंभीर जब उनके दादा दादी उन्हें अपने साथ ले गए और उनका पालन पोषण फिर उन्हीं के साथ हुआ। बचपन से ही गौतम गंभीर की रुचि क्रिकेट की तरफ थी और मात्र 10 साल की उम्र से ही उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। ये टैलेंट पहचाना उनके मामा पवन गुलाटी ने, जिन्हें गंभीर अपना मेंटोर भी मानते हैं। तो इन्हीं ने गंभीर को दिल्ली की लाल बहादुर अकेडमी में क्रिकेट सीखने के लिए भर्ती करवाया और इनके सपनों को उड़ान भरने के लिए पंख दिए। गंभीर के क्रिकेट करियर की शुरुआत हुई 1999 से, जब उन्होंने दिल्ली के रणजी टीम के लिए खेलना शुरू किया। पर उन पर लोगों की नजर पड़ी साल 2002 में, जब उन्होंने 2 डबल सेंचुरी लगाई जिनमें से एक जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई थी और इस तरह उनकी एंट्री हुई इंडियन क्रिकेट टीम में साल 2003 में। अब टीम में तो एंट्री हो गई एज एन ओपनिंग बैट्समैन, पर ये वो समय था जब इंडिया के पास ऑलरेडी सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग जैसे 3 और शानदार ओपनिंग बैट्समैन थे और इन लेजेंड्स के सामने ना ये केवल टिके पर उनके कंधे से कंधा मिलाकर भारत को कई बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी है। मार्च 2009 से अप्रैल 2010 के बीच लगातार 5 टेस्ट मैचों में सेंचुरी बनाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है गौतम गंभीर। इसके बाद दिसंबर 2018 में गौतम गंभीर ने क्रिकेट की दुनिया से रिटायरमेंट ले लिया और 2019 से शुरू हुआ इनका राजनीतिक सफर। 2019 में ईस्ट दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी से बीजेपी के लिए इलेक्शन में खड़े हुए और 6,96,158 वोट्स पाकर गंभीर बन गए बीजेपी के एमपी। गंभीर ने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान सांसद के रूप में अपना 2 साल का वेतन डोनेट कर दिया। इसके साथ ही अपने फाउंडेशन के माध्यम से अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन भी शुरू किए। गंभीर की दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी ने 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2022 के दिल्ली एमसीडी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। पर यहाँ पर हम एक बार फिर से बात करेंगे गंभीर के शनिवार के उस ट्वीट की, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो अपने क्रिकेट करियर पर फोकस करना चाहते हैं और इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी का अपने लोगों को सेवा करने का मौका देने के लिए धन्यवाद भी किया। गौतम गंभीर हमेशा से अपने मन की बात खुलकर कहने वाले और किसी के दबाव में काम ना करने वाले इंसान के रूप में नजर आए हैं। शायद इसलिए गंभीर पॉलिटिक्स के साथ साथ अपने क्रिकेट करियर से भी पूरी तरह से दूर नहीं हुए थे। उन्होंने 2022 तक आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर के रूप में काम किया है और अब 2024 आईपीएल से पहले उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर के रूप में उन्हें नियुक्ति मिल गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स का तो गौतम गंभीर से पुराना नाता है। गौतम गंभीर केकेआर के कप्तान रह चुके हैं और 2 बार आईपीएल ट्रॉफी भी टीम के नाम करवा चुके हैं। इसके अलावा गंभीर कई कॉन्ट्रोवर्सीज का भी शिकार हुए हैं। सबसे पहले पिछले साल के एशिया कप की ही बात करते हैं, जब स्टेडियम में कोहली धोनी के नारे लग रहे थे और उसी दौरान गौतम गंभीर के स्टेडियम में मौजूद फैंस की तरफ किए गए विवादास्पद इशारों ने खूब सुर्खियां बटोरी, जिस पर बाद में गंभीर ने क्लैरिफिकेशन देते हुए बताया कि कुछ लोग हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, जिस पर गुस्से में उनका कुछ ऐसा रिएक्शन निकल कर सामने आया। पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मालूम है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा विराट कोहली के लिए गंभीर की दी हुई स्टेटमेंट भी खूब वायरल हुई, जिसमें उन्होंने विराट कोहली की कप्तानी का आकलन करते हुए कोहली की सफलता का श्रेय टीम में एमएस धोनी और रोहित शर्मा की मौजूदगी को दिया और उससे पहले क्रिकेट जगत में तहलका मचाने वाले एक बयान में
गौतम गंभीर ने 2011 आईसीसी क्रिकेट विश्व वर्ल्ड कप फाइनल में एमएस धोनी के फेमस वर्ल्ड कप विनिंग छक्के के महत्व को कम करके विवाद खड़ा कर दिया था। उनका ये मानना था कि एक इंडिविजुअल विन ना होकर ये एक टीम एफर्ट था और सबको इस कामयाबी का श्रेय मिलना चाहिए, ना कि अकेले धोनी को। गंभीर के आउटस्पोकन नेचर और कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स ने अक्सर गर्म डिबेट्स और डिवाइडेड ओपिनियंस को जन्म दिया है, पर वो अपने मन की बात कहने और क्रिकेट जगत के भीतर कंट्रोवर्शियल नैरेटिव्स को चुनौती देने के प्रति उनकी अटूट कमिटमेंट को भी दिखाता है। पॉलिटिक्स की फील्ड में भले ही उनका सफर छोटा और बहुत उतार चढ़ाव भरा ना रहा हो, मगर 147 वनडे मैचेस में 39.68 की औसत से 5238 रन बनाने वाले, जिसमें 11 शतक और 34 अर्धशतक शामिल है, और उनका सर्वोच्च स्कोर है 150 रन का। वे भारत के लिए वनडे में 13वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, और अब वो अपनी राजनीतिक करियर को छोड़कर केकेआर की मेंटोरशिप की तरफ अपना अगला कदम बढ़ा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे का उनका सफर एज अ मेंटोर सफल रहे।